हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिविनिटी टैरोस एक्सपर्ट ट्रूथ ऑलवेज एक्सपोजेस डार्कनेस। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस, वो है अगले कुछ ही दिनों में आपके जिंदगी में ऐसा क्या घटना घट सकती है। ठीक है, सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग फॉर ऑल ज़ोडियक साइंस एंड इट इज अ जनरल प्रेडिक्शन। ओके, सो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। देखते हैं आपकी जिंदगी में, ठीक है, कुछ ही समय के अंदर क्या हो सकता है। ठीक है, सो इट विल बी अ ग्रैंड सरप्राइज। कुछ सरप्राइजिंग इवेंट्स आ सकते हैं रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ, ये हो सकता है। आप प्लीज पॉजिटिव रहिएगा। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जिंदगी में कुछ समय के अंदर क्या बिग सरप्राइजेस, चेंजेस हो सकते हैं, क्या घटनाएं हो सकती है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स। ओके, ऑलराइट। वाओ, जस्ट वाओ। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है, ओके, द ट्विन डोर्स। ओके, यहाँ पे देखो सारे साइंस आ चुके हैं, वाटर साइन, एयर साइन, फायर साइन और अर्थ साइन। यहाँ पे है सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्वेरियस, जेमिनी, लीब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि। यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ कार्ड्स को सामने लेके। दिस इज अ सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्वेरियस, जेमिनी, लीब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि। यहाँ पे है द ब्रिजेस, यहाँ पे सारे साइंस यहाँ पे मौजूद होते हैं। दूसरा है टेन ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। यहाँ पे है द पोलर बियर विद द टेन ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। यहाँ पे है टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। दिस इज एक्चुअली द क्वीन ऑफ पेंटेकल्स। ठीक है, यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है सिक्स नंबर, स्पेसिफिकली 10, 10, 22। ठीक है, हो सकता है 11, 22 या हो सकता है कि 10, 10, 10, 10, 10। अगर आप ज़्यादा देख रहे हो दैट मीन्स अ न्यू चेंज इज ऑन द वे। ठीक है, न्यू बिगिनिंग इज ऑन द वे। बेसिकली जो घटनाएं आपके साथ घट सकती है विद द सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द टेन ऑफ कप्स, आई डू फाइंड कि हो सकता है कि अगर आप एक जॉब होल्डर हो, ठीक है, अगर आप इवन अगर आप फ्रीलांस में भी काम करते हो एज अ फ्रीलांसर, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो, ठीक है, अगर आप स्टडीज भी कर रहे हो, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट आप कर सकते हो। ठीक है, बिकॉज आई डू फाइंड यहाँ पे देखो, दिस इज नॉट द डेंजरस टावर कार्ड, दिस इज अ टावर कार्ड बट इट इज नॉट ब्रेकिंग डाउन। भले ही ये टावर है बट दिस इज नॉट अ डाउनफॉल। ठीक है, ये एक डाउनफॉल नहीं है, दिस इज अ अपलिफ्टमेंट। आपके करियर में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आ सकती है, तरक्की आ सकती है। यू कैन ऑल्सो बिल्डअप द रिलेशनशिप, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप रिलेशनशिप्स को बिल्डअप करोगे, रैपो आपका बढ़ेगा। रैपो मतलब आपको पता है क्या होता है? पीआर जिसको बोलते हैं, पब्लिक रिलेशनशिप्स जिसको बोलते हैं। आप कम्युनिटी के साथ, अपने लोगों के साथ, यहाँ पे जो मुझे एनर्जी फील हो रहा है, आप अपने कम्युनिटी के साथ बहुत सारे लोग जिनको आप पहले से शायद जानते भी नहीं हो, ठीक है, उनके साथ आपका बातचीत होना, मुलाकात होना, और सबसे ज़्यादा जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल होना। हो सकता है कि आई डू फाइंड कि जहाँ पे आप रहते हो उसके आसपास आता तो एक ब्रिज है, या हो सकता है कि एक बहुत बड़ा टावर है, मे बी कोई भी, जैसे हमारे इंडिया में होता है एयरटेल का टावर है या वोडाफोन का टावर है, ठीक है, तो रिलायंस का टावर है, इस तरह से कुछ टावर टाइप का या हाई स्काई राइज बिल्डिंग हो सकता है। ठीक है, दूसरा चीज़ है या आपका घर इस तरह से हो सकता है कि आप प्लान कर रहे हो या दूसरी जगह पे जब आप शिफ्ट करोगे आप वहाँ पे सेटल होंगे, काफ़ी ज़्यादा टॉल बिल्डिंग्स आपको दिखाई देंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई भी कैपिटल सिटी में जाओ आप, ठीक है, तो वहाँ पे आप देखोगे कि टॉल बिल्डिंग्स ही रहते हैं। ठीक है, इसको देख के मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है
यू मे मूव टू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री, मे बी अगर आप इंडिया में हो तो हो सकता है कि यू आर मूविंग टूवर्ड्स न्यू दिल्ली. अगर आप फॉरेन से देख रहे हो तो आपके सिटी का जो कैपिटल है, ठीक है, आपके कंट्री का जो कैपिटल है, सॉरी आपके कंट्री का जो कैपिटल है, इवन अगर आपके स्टेट का जो कैपिटल है उसमें भी शायद आप चले जाओगे, मे बी आप कैपिटल सिटी में नहीं रहते हो, ठीक है. दूसरा चीज मुझे इसको देखे न्यूयॉर्क का भी याद आ रहा है, पता नहीं क्यों. वैनकूवर, न्यूयॉर्क, ओके, आई डू फाइंड द वाशिंगटन, आई डू फाइंड, यू कैन से दैट दिस वन, यस आई डू फाइंड. इसको देख के मुझे ये भी दिख रहा है लखनऊ कैन बी देयर, ओके, इवन द सिटी ऑफ, यू कैन से आवर कोलकाता कैन बी देयर, एनी वेयर, ठीक है, जहाँ पे बहुत बिल्डिंग ज़्यादा है, या चेन्नई कैन बी देयर, तो कैपिटल सिटीज में हो सकता है, इवन गांधीनगर कैन बी देयर, सो इट कैन बी लाइक दैट. तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि काफ़ी, इसको देख के मुझे यहाँ पे इस तरह से याद आ रहा है कि कहीं ना कहीं पे आप कोई होली प्लेस में भी ट्रैवल कर सकते हो. वो ट्रैवल जो आप करोगे ना, वो ट्रैवल जो आप करोगे, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल टूर हो सकता है, जहाँ पे आप दुआ मांगने जा रहे हो, या कहीं ना कहीं पे कुछ घटनाएं हुए हैं आपके साथ, उसको लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान हो और आप प्रेयर्स करने जा रहोगे, ठीक है. बेसिकली यू आर कनेक्टिंग, बेसिकली मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा एनर्जी जो फील हो रहा है वो है कनेक्शन, ठीक है, डेवलपिंग द कनेक्शंस वंस मोर, फिर से, ठीक है. सो रीयूनियन यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द टेन ऑफ कप्स, ठीक है. फेथफुल लॉयल रिलेशनशिप्स जो आपके लिए लाइफ टाइम के लिए आएंगे, ठीक है. इस तरह से वफादार, सबसे एनिमल्स में वफादार होता है डॉग. सो यू कैन सी दैट डॉग कभी भी अपने मास्टर के खिलाफ जाते नहीं है, अनटिल एंड अनलेस दे गेट मेंटल डिजीज. जब तक उनको मेंटल डिजीज नहीं होता तब तक वो कभी भी खिलाफ नहीं जाते हैं, और जब तक कभी भी वो खिलाफ नहीं जाते, अगर किसी ने उनको प्रोवोक किया तभी भी वो नहीं जाते हैं, बिकॉज दे आर ट्रेंड इन दैट मैनर. अगर स्ट्रीट डॉग्स भी हो तभी भी इस तरह से है, ठीक है. मैं कोई भी किसी के साथ एनिमल स्पिरिट के साथ कंसिडर कर रही हूँ, यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी को आप इन्वॉल्व करो, ठीक है. इसको देख के मत ऐसा फील करना कि डॉग के साथ ऐसा कंपेयर, नो नो नो, ठीक है. एक लॉयल्टी, एक विश्वास, एक फेथफुलनेस, ठीक है, एक कमिटेड रिलेशनशिप, एक यू कैन से दैट डिसऑनेस्टी नहीं होगा. तो कुछ ही समय के अंदर हो सकता है कि आपके साथ इनका शुरुआत कुछ मे बी स्टार्ट विथ स्पोर्ट्स, हो सकता है कि आप उनके साथ एक ही क्लब में ज्वाइन किए हो, या जिम जाते होंगे, या आप एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करोगे, लेकिन आपको लगेगा नहीं कि दिस रिलेशनशिप, ये जो रिलेशनशिप है, फ्यूचर में अच्छा सा कन्वर्ट होगा, आपको लगेगा नहीं. ये इंसान आपके साथ जब भी रिलेशनशिप में आएंगे काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड फील करेंगे, इवन आपको भी ये सुरक्षित रखेंगे. विद अ पोलर बियर, दिस पोलर बियर, यू नो व्हाट, इज वेरी नर्चरिंग एंड केयरिंग ऑफ देयर किड्स. वो अपने बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं. यहाँ पे 15 नंबर 18, 38 एंड 19 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट. सो 8 कैन बी इम्पॉर्टेंट. यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे चाहे जितना भी, यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है, चाहे जितना भी एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस है, ठीक है, आप किसी के साथ एडजस्ट कर पाओगे, क्योंकि वो भी आपके साथ एडजस्ट करने के लिए तैयार होंगे. मे बी यू विजिट कहीं पे भी, अगर आपका विजिट हो रहा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फीले जगह हो, ठीक है, स्नोफॉल ज़्यादा होता है, ठीक है, हमें ज़्यादा गर्मी का कपड़ा वहाँ पे लेके जाना पड़ता है. मे बी ऑन अ वैकेशन और टूर यू गो, मे बी ऑन अ यू सिलेक्ट एन एरिया, या आपका ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, कुछ ऐसे एरियाज पे जहाँ पे माइनस टेम्परेचर, ठीक है, वहाँ पे पहुँच जाते हैं, तो हो सकता है कि यू नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. हो सकता है कि आप ऐसे जगह पे थे जहाँ पे वेदर बहुत अच्छा था, प्लेजेंट था, बहुत अच्छा, लेकिन आप अपने फैमिली के साथ शिफ्ट हो रहे हो, तो हो सकता है आपका हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा. सो दिस कार्ड इंडिकेट्स कि आपको कई किसी भी डाइवर्स क्लाइमेट के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, इवन डाइवर्स एनवायरमेंट के साथ भी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, और वो आप कर भी लोगे. विद द टेन ऑफ वैंड्स, आपके पास एडिशनल बर्डन्स आ सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ सकते हैं, उसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा. मे बी आप सुन रहे हो कि कुछ ही समय के अंदर, ठीक है, हो सकता है कि आपका शादी विवाह फिक्स हो रहा है,
और आपके घर वाले दौड़ रहे हैं, इसे शॉपिंग करना है, ये करना है, शादी के लिए जोड़ा लेना है, ठीक है, ज्वेलरीज खरीदना है, लोगों को इनविटेशंस भेजना है, सो देयर कम्स अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ज़रूरी नहीं कि हमेशा प्रोफेशनल मैटर्स में हो सकता है कि मीटिंग अरेंज हो रहा है, आपको लास्ट पॉइंट पे बताया गया है, या आपने मेल खोला नहीं है, लास्ट मोमेंट में आपने मेल खोला, आपने देखा 2 दिन के बाद आपको जाना है उस जगह पे, फ्लाइट्स नहीं मिल रहा है, आपको ट्रेन से जाना पड़ रहा है, मे बी वेरी डिफिकल्ट, ओके, तो इस तरह से मुझे यहाँ पे सिचुएशन लग रहा है। बट आप डाइवर्स एनवायरमेंट मतलब मल्टी फेस्ड एनवायरमेंट के साथ आप इजिली एडजस्ट कर पाओगे। वेरी सून यू आर गोइंग टू, यू कैन से दैट रीच द पोजिशन दैट यू वॉन्टेड। इस तरह से मुझे यहाँ पे एक पिक्चराइजेशन हो रहा है, जहाँ पे एक स्टेज है, जहाँ पे एक हॉल है, और जहाँ पे कुछ अरेंजमेंट्स हुए हैं, होटल्स का लॉबी जैसा दिख रहा है कि लॉबी से कुछ स्टेयरकेस 2 रूम्स तक गए जा रहे हैं, लेकिन अलग अलग है, मतलब हो सकता है कि आप लोग अलग अलग कम्युनिटी, कास्ट, रिलीजन से बिलोंग करते हो, या डेफिनेटली, बट यू आर गेटिंग यूनाइटेड ओवर हियर। सो आई डू फील द यूनियन ऑफ टू हार्ट्स विच आर सेपरेटेड राइट नाउ। हो सकता है कि अभी आप लोग अलग अलग हो, बट कुछ ही समय के अंदर यू विल मीट विद योर पार्टनर, बिकॉज 22 नंबर स्टैंड्स फॉर द 4। 4 इंडिकेट्स द स्टेबिलिटी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी भी हो सकता है। इसलिए मैंने आपको बताया कि लग्जरी को जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आपको हो सकता है कि आपको कॉन्ग्रेचुलेशन दिया जा रहा है, आपके नाम पे पार्टी थ्रो किया जा रहा है, क्योंकि आपने इस पोजिशन को हासिल किया है, लेकिन इजिली आपने हासिल नहीं किया है, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, यहाँ पे आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ एडजस्ट करके लोगों के साथ, जैसे लोग डिफरेंट कल्चर से होते हैं और लोग एक जगह पे काम करते हैं, नाउ इट इज़ मल्टीनेशनल कंपनीज, वी नीड टू वर्क विद डिफरेंट कम्युनिटीज, हम लोग को एडजस्ट करना पड़ता है, दूसरे देश के साथ कम्युनिकेशन करना पड़ता है, तब जाके ये वर्ल्ड जो है रन होता है, ठीक है। तो इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक स्ट्रेंज एनवायरमेंट में जाके, पूरी तरह से यहाँ पे क्लियर है, स्ट्रेंज एनवायरमेंट में जाके आप अपने आप को बहुत इजीली, ठीक है, मैनेज कर पा रहे हो सारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। सो आई डू फाइंड कनेक्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है, ठीक है, आई डू फाइंड लॉट्स ऑफ, यू कैन से दैट नेटवर्क्स कमिंग, ठीक है, एंड मुझे लग रहा है इंटरनेट विल बी द बेस्ट मीडिया टू कम्युनिकेट। हो सकता है आपको सिर्फ फोन कॉल्स ही ना आए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आपको अटेंड करना पड़े, या आप किसी के साथ कॉल्स में, ठीक है, बहुत दूर तक कनेक्शंस हो रहे हैं, एंड यू आर टॉकिंग टू देम, ठीक है, एंड यू आर गेटिंग द बेस्ट ऑफ वॉट एवर यू डिजर्व। आप जो डिजर्व करते हो वही आपको मिल रहा है। फिर भी हम दूसरा डेक से देखेंगे। आज मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जीज यहाँ पे नजर में आ रहा है, ठीक है। हो सकता है विद इन 4 to 10 days या वीक्स के अंदर आपको कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन या गुड न्यूज आपको रिसीव हो। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, जस्ट अ सेकेंड, आई एडजस्टेड एंड देन आई विल कम बैक। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जिंदगी में क्या आने वाला है कुछ ही समय के अंदर, व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू कम, क्या एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं कि आ जाएगा कुछ ही समय के अंदर। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू एंजल्स, प्लीज गाइड मी गाइड। द सन पहली तो आ गया, और क्या चाहिए। ओके, द किंग ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल्स है, अगेन यहाँ पे एक बिल्डिंग का कार्ड आ रहा है, यहाँ पे देखो, थ्री ऑफ कप्स, वाव, सेलिब्रेशंस एंड सेलिब्रेशंस, आज क्या बात है भाई, एस ऑफ वैंड्स, देखो, लियो हो सकता है, सिंह राशि हो सकते हो आप, वृषभ कन्या मकर राशि, टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, एंड कैंसर पिसेस स्कॉर्पियो, एरीज लियो एंड सजिटेरियस, मेष सिंह और धनु राशि, कर्क वृश्चिक और मीन राशि। थ्री यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, सो 3, 19 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज 19 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 19, 28, 10 एंड फर्स्ट, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, 11, 111 से क्लेम करना रीडिंग को, अदर 19, 19 से क्लेम कर सकते हो आप, ठीक है। बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो है
इट्स लॉट ऑफ, जिस तरह से मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि द सन कार्ड ऑलवेज इंडिकेट्स द लीडरशिप, ठीक है. सो ऑब्वियसली कि यहाँ पे जो है मुझे दिख रहा है कि सिर्फ और सिर्फ लीडरशिप नहीं, मुझे लग रहा है अगर आपके पार्टनर, अगर आपके पार्टनर फीमेल है तो, और अगर आप खुद फीमेल हो इस रीडिंग को देख रहे हो, सो मे बी यू आर वेरी सुन यू आर गोइंग टू गिव द गुड न्यूज टू योर फैमिली दैट यू आर अबाउट टू कंसीव, ठीक है. आप खुशखबरी देने वाले हो कि आप माँ बनने वाले हो या आपके जो पार्टनर है वो, ठीक है. चाहे किसी भी तरह से आपके बच्चे हो रहे हो, मे बी बाई IVF और सम हाउ, ठीक है. बट पता नहीं मैंने क्यों IVF बताया यहाँ पे, हो सकता है. बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि येस यू आर गोइंग टू डिलीवर, ओके. हो सकता है कि डिलीवरी के समय आ रहा है और आपको काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हो, आप अपने पार्टनर को लेके, हो सकता है या आप खुद हो सकते हो. यहाँ पे मुझे लग रहा है और भी चीज़ कि आपके जो विशेष है, आपके जो ख्वाहिश है वो बहुत जल्द पूरा होने वाले हैं. एंड जिस तरह से होता है ना कि जब खेती होता है, जब खेती में कटाई होता है, कटाई का जब सीजन आता है, तब सारे किसान एक साथ मिलजुल के विद अ टीम दे परफॉर्म, और जितना भी हार्ड वर्क हो वो कर लेते हैं, मेहनत कर लेते हैं, खुशी से कर लेते हैं, ठीक है. आपको पता नहीं होता है शायद कितना मेहनत होता है उस काम को करना, क्योंकि आप देखे हो जमीन पर, जमीन पे, ठीक है, जैसे गेहूं उगते हैं, ठीक है, चावल उगते हैं, तो कितना मेहनत होता है उसको प्रोसेसिंग करना. तो ये सब कुछ चीज़ वो कैसे कर लेते हैं विद द टीम, विद द नेटवर्क, ठीक है, विद द मशीन्स, विद द लीडरशिप. कोई ना कोई तो एक लीडरशिप रोल वहाँ पे प्ले करता ही है. सो आई डू फाइंड विथ योर टैलेंट, आपके पावर, आपके स्टडीज, आपके नॉलेज, बहुत ज़्यादा तजुर्बा आपको काम देंगे, और हो सकता है कि आप कोई भी एग्जाम या जॉब रिलेटेड हो आप क्रैक कर पाओ. सोलमेट आपके जीवन में आने वाले हैं जो आपको ट्रस्टवर्थी होंगे, आप उनके ऊपर विश्वास कर पाएंगे, सिंसियर होंगे वो, ओके. एंड आई डू फाइंड कि आप कोई जॉब के लिए जा रहे हो तो शायद वहाँ पे आपको वो अपने पार्टनर मिल ही जाए एट ऑफिस और ड्यूरिंग वर्क, ड्यूरिंग पार्टीज. और मुझे लग रहा है आप इंटरव्यू देने जाओगे, ठीक है, वो ज़रूर मिठाई खिलाना आप लोग. आप इंटरव्यू देने जाओगे और उसका रिजल्ट पॉजिटिव होगा, इसलिए आप लोग सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो. और मुझे यहाँ पे देखो एस ऑफ वैंड्स है यहाँ पे. आई डू फाइंड अ न्यू एंटरप्राइज, कोई न्यू प्लान, कोई न्यू सेटअप आप बना रहे हो. मे बी आप लोग डिस्कशन करके कुछ ग्रुप बना के, हो सकता है कुछ स्टार्टअप करो, कोई ऐप स्टार्टअप करो, इस तरह से मुझे दिख रहा है. इवेंट मैनेजमेंट हो सकता है, कोई किसी के लिए लोन डिपार्टमेंट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए HR फील्ड हो सकता है. इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यू विल बी स्टार्टिंग अ न्यू प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट में सिर्फ और सिर्फ आप अकेले नहीं होंगे बट आपके कुछ दोस्त या कुछ लोग आपके साथ मिलजुल के काम करेंगे. आपके रिपुटेशन, नेम, फेम बढ़ने वाले हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ आपके आसपास वाले कुछ इविल मेंटालिटी के लोग आपके अगेंस्ट में नेगेटिव र्यूमर फैला सकते हैं, क्योंकि वो आपकी तरक्की देख के जलस फील करेंगे, ज़रूर करेंगे. और हो सकता है कि नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश भी करें, लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. विद दिस एस ऑफ वैंड्स एंड विद द सन कार्ड, सन कार्ड जनरली क्या होता है, इट इज़ अ विश फुलफिलमेंट कार्ड एंड इज़ अ बेस्ट कार्ड ऑफ द टैरो डेक. एंड ये जो कार्ड होता है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ एक इंस्पिरेशन है, ठीक है. आपको आगे बढ़ना है, पीछे की तरफ बिल्कुल नहीं देखना है. अंधेरा से रोशनी का सफ़र आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, ठीक है. सिर्फ याद रखना कि अपने बात को जब आप लोगों के साथ शेयर करो तो सोच समझ के करो, और प्राइवेट जगह पे बात करो तो सही है. अगर आप एक बॉस हो, अगर आप एक लीडर हो, इवन अगर आप एक फैमिली मेंबर में हेड हो, तो भी अगर आपको किसी को डांटना है या किसी के साथ कन्वर्सेशन करना है, उसको अलग सा कमरे में लेके जाके करना, ठीक है. पब्लिकली किसी का, मतलब हो सकता है कि पब्लिकली उनको बोलोगे तो वो रूठ जाएंगे और आपके खिलाफ चले जाएंगे. सो पब्लिकली मत करना, ठीक है. तो उस तरह से मुझे दिख रहा है, या हो सकता है कि आप कोई ऐसी पोजीशन को हासिल करो जहाँ पे आपको क्रिटिकली लोगों के साथ डील करना पड़ता है, ठीक है.
सो यू हैव टू हैंडल द प्रेशर, यू हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ. यहाँ पे मुझे सेल्फ कंट्रोल दिखाई दे रहा है आते हुए आपकी जिंदगी में, मतलब आपको समझ में आ जाएगा ठीक है मुझे ये पोजिशन मिला है तो मुझे ओके इट्स ओके, नाउ आई विल बी फाइन, नाउ आई विल बी ऑल राइट. ठीक है, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. एंड विद द वर्ल्ड कार्ड, आई डोंट टेक द रिवर्स कार्ड. द वर्ल्ड कार्ड इंडिकेट्स द एंडिंग ऑफ समथिंग एंड बिगिनिंग ऑफ समथिंग, एंड ऑफ डिले. कुछ डिले हो रहा था आपकी जिंदगी में, वो खत्म होगा. यू आर जस्ट कंप्लीटिंग अ साइकिल एंड एंटरिंग इन टू द न्यू साइकिल. अभी साइकिल मतलब क्या है, लाइफ इज अ साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ. ठीक है, ये जन्म और मृत्यु जो होते हैं वो कभी खत्म नहीं होगा, कभी नहीं होगा, बिकॉज आवर सोल विल अगेन री इनकार्नेट. फिर से वो जन्म लेंगे. क्यों लेंगे? बिकॉज जो सोल है वो कभी मरते नहीं है. तो आपके जज्बात को कोई ठेस पहुंचाता है तो वो एक टेम्पररी सिचुएशन है. आपका कुछ लॉस हो रहा है वो एक टेम्पररी सिचुएशन है, बट आप फिर से रिन्यूअल होगा. जिस तरह से लिजर्ट देखे हो, ऑफ कोर्स तो देखे ही होंगे, उसका जो टेल है ना, ठीक है, वो गिर जाता है फिर से रीजनरेट होता है. स्नेक का भी स्किन ऐसा होता है, शेड हो जाता है फिर से रीजनरेट होता है. हमारे मतलब उंगली के जो नाखून है वो भी रीजनरेट होता है. ठीक है, बाल भी होते हैं. तो कहीं ना कहीं पे रीजनरेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है. ठीक है, विद द न्यू कनेक्शंस कमिंग इन योर लाइफ यू विल एक्सप्लोर द वर्ल्ड. ठीक है, ईयर आफ्टर ईयर हो सकता है कि आप अपने वैकेशंस एंजॉय करो, इन्वेस्टमेंट का पैसा आप यूटिलाइज करो. ठीक है, अपने बच्चे के लिए आप सेविंग्स करोगे. ये बहुत फ्यूचर की बात तक लेके जा रहा है, पता नहीं क्यों आपके फ्यूचर यही दिखाई दे रहा है, विद द एंडिंग्स ऑफ समथिंग एंड बिगिनिंग. लेकिन अगर आप किसी के जाल में फंसे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्रिटिसिज्म को बहुत सीरियसली ले लिए तो फिर मुश्किल है. क्योंकि नाउ डेज सब लोग बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव है, वो आपको क्रिटिसिज्म करेंगे. पहले ज़माने में ऐसा नहीं होता था, बहुत ही कम था वो चीज़, अभी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. अगर आप क्रिटिसिज्म को हैंडल कर पा रहे हो तो बहुत अच्छा बात है. अगर आपको क्रिटिसिज्म को हैंडल करना नहीं है सो जस्ट इग्नोर. ठीक है, ओके. नाउ लेट मी सी विद द गाइडेंस कार्ड्स कि ऑफकोर्स देखना तो पड़ेगा ही, गाइडेंस तो हम देंगे ही, क्या गाइडेंस आ रहा है आपके लिए. सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू आर्कएंजल्स, थैंक यू स्पिरिट्स. प्लीज बताइए, मुझे गाइडेंस दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए. यस, द फूल कार्ड, इट्स लाइक अ फूल कार्ड. सो यू स्टार्ट अ न्यू जर्नी, डोंट वरी. द मंकी विद दिस, सो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, क्लैरिटी आपके जीवन में आ रहा है या आपको खुद लेके आना पड़ेगा. ठीक है, बहुत ज़्यादा आप फैंटेसाइज कर रहे हो लेकिन उसको रियलिटी में, हकीकत में लेके आने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका. मैंने आपको पहले क्या बताया था, डाइवर्स एनवायरमेंट में आप एडजस्ट करोगे. यहाँ पे देखो, ये एक लेडी है, ये एक ह्यूमन बींग है, इंसान है, और यहाँ पे सारे स्वान्स है, बर्ड्स है, ये इसके साथ कैसे एडजस्ट करके रह रही है. मतलब आपको एडजस्ट करना पड़ेगा डिफरेंट स्ट्रेंज एनवायरमेंट में. ठीक है, वो भी आपके लिए आ रहा है, पता नहीं क्यों बार बार इस तरह से आ रहा है. ट्रैवल इज ऑन द कार्ड, सो पैक योर बैग्स, पैक योर लगेज एंड पैक अप फॉर अ न्यू जर्नी. ओके, दूसरा चीज है आपके जो मतलब माइंड है, ठीक है, बहुत ज्यादा फास्ट थिंक कर लेता है, मतलब बहुत ज्यादा फास्ट सोचते हो, बट उसको हकीकत में, प्लीज रियलिटी में उसको कन्वर्ट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही के ऊपर जाता है. नाउ दिस इज द लॉजिकल साइड, दिस इज द यू कैन से इमोशनल साइड. दोनों को बैलेंस करके आपको चलना है. आप तो चल रहे हो लेकिन कभी कभी आपके इंटेलेक्चुअल कुछ लोग चलेंगे, कुछ लोग फैंटेसाइज करेंगे. आपको दोनों मिला के करना है, ठीक है, तब जाके रिजल्ट इस तरह से आएगा कि आप एडजस्ट कर पाओगे. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइस. आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू हैव अंडरस्टूड इट प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय चैनल. लव यू ऑल.